हेलो फ्रेंड्स, यस गुड मॉर्निंग। और आज बेसिकली हम चलते हैं अपना डेली राइडिंग ब्लॉग लेके के, और हमने सोचा कि यार चलो अपना जो डेली रूटीन अफेयर है एटलीस्ट उसके भी ब्लॉग बनाने शुरू करते हैं, जैसा मैंने पहले भी सोचा था। तो दिस इज़ इन कंटिन्यूशन ऑफ दैट। और अभी मैं चल दिया एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट वीडियो विद माई इंटरसेप्टर। तो कल भी हालांकि हम सुबह निकले थे अपना डेली रूटीन पे, बट दिस इज़ द डे टू एंड यस आई एम इन्जॉइंग इट। और थोड़ी सी साइड मिरर एडजस्टमेंट जरूरी है भाई, बस। और इसके बाद आई थिंक वी आर गुड टू गो। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, और जैसा आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा ही होगा, नहीं देखा तो अभी देख लो, वाई इंटरसेप्टर, अब इंटरसेप्टर आ गई है। तो अगर मेरा प्रीवियस वीडियो आप नहीं देखा तो अब देखो, इंटरसेप्टर आ गई है अब जावा की जगह। तो जावा मैंने सेल कर दी है और इंटरसेप्टर ले ली है, उसके बहुत सारे वेरियस रीजंस हैं। तो इस पर्टिकुलर व्लॉग में आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट, उसकी हम सेपरेट व्लॉग बनाएंगे और बात करेंगे, और आपको सारे की पॉइंट्स, की फैक्टर्स, जो जो चीज़ें मेरे माइंड में थी वो सब मैं आपको बताऊंगा, आपके साथ में शेयर करूंगा। तो आप लोग मेरे वीडियोस को तो देखते ही रहते हैं, और देखते रहिए भी, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। तो अभी चलते हैं। अभी मैंने बेसिकली ना इसका कोई पोटेंशियल यूज़ नहीं करा है बाइक का, हालांकि जिस दिन जब मैं इसकी डिलीवरी लेके आ रहा था एट दैट पर्टिकुलर डे, मैं इसको 80 तक ले गया था, बिकॉज स्मूथ इतनी है यार, पता ही नहीं लगता 80 पे ये कब पहुंच जाती है। तो 80 तक मैं ले गया था इसको, बट अभी मेरा आइडिया ये है कि जब तक मैं इसको फर्स्ट सर्विस नहीं करा लेता हूँ, आई एम प्लानिंग टू राइड इट 60 और 70, नॉट मोर देन दैट। तो क्योंकि हैवी मशीन है, इस वजह से 80 तक भी ये आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी। बट स्टिल ओल्ड स्कूल टाइप्स, आई एम ओल्ड स्कूल, माई बाइक इज़ ओल्ड स्कूल, ऑल दो वी आर इन 2024। ऑनेस्टली मेरे को ये जो इन्होंने एक रेट्रो क्लासिक ये स्विचेस दिए हुए हैं, मेरे को ये भी अच्छे लगे इसमें, बिकॉज दिस इज़ मॉडर्न विद रेट्रो, एंड ऑनेस्टली माई प्रेफरेंस इज़ लाइक दिस ओनली, एंड आई एम इन्जॉइंग इट, बिकॉज इसमें सारा कुछ है, पावर है, परफॉर्मेंस है, लुक्स हैं। और मैं आपको पहले बता दूँ दोस्तों, दिस वॉज माई फर्स्ट चॉइस, राइट। इवन जब मैंने 2019 में ये डिसाइड करा था कि मुझे बाइक लेनी है, इट वॉज़ अ लॉन्ग ड्रीम ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो पहले से ही मैंने डिसाइड करा था कि चलो यार बाइक लेंगे, बाइक लेंगे, एंड आई वॉज अ फैन ऑफ हार्ले, आई एम स्टिल अ फैन ऑफ हार्ले, बट अभी हार्ले से ज़्यादा और ऑप्शन भी दिखाई देते हैं, और डेफिनेटली अभी मैं कंपेरिजन के मेरे मैथड्स भी बदल गए हैं। बट हाँ ये था कि जैसे मेरे को लगता था कि यार बाइक तो लेनी है, तो 2019 में जब हमने डिसाइड करा था, दिस वॉज माई फर्स्ट प्रेफरेंस इंटरसेप्टर। मैंने 2019 में राइड करी थी इंटरसेप्टर जब मैंने जावा बुक करी थी, उसके बाद में, यस जावा की बुकिंग के बाद मैंने ये चला के देखी थी, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम, उसके आगे पीछे मैंने कभी भी इंटरसेप्टर नहीं चलाई थी, एंड नाउ दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम ओनिंग इट एंड आई एम राइडिंग इंटरसेप्टर। वैसे तो जैसा मैंने कहा, इसका कोई कंपेरिजन ही नहीं है जावा के साथ, जावा इज़ अ वेरी डिफरेंट बाइक एंड दिस इज़ अ डिफरेंट बाइक ऑल टुगेदर, बट फिर भी मेरे को इसका सस्पेंशन कंपेरेटिवली बहुत अच्छा लग रहा है, हालांकि जावा का सस्पेंशन वाकई बहुत अच्छा था। और जब मैंने वो बाइक बुक करी थी तो मेरे ब्रदर ने बोला था कि ये वन ऑफ द वेरी गुड इन दैट सेगमेंट, एंड स्टिल दैट इज़ वेरी गुड इन दैट सेगमेंट, बट इसमें भी बहुत चार में यार मज़ा है, मज़ा, यस। यार देखो, जब आप पैसा लगा रहे हो ना किसी चीज़ में, तो एटलीस्ट आप अपनी चॉइस के हिसाब से चीज़ लो। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप बिल्कुल देखो, चेक करो, सोचो समझो, और अपनी प्रेफरेंस, अपनी चॉइस के हिसाब की चीज़ उठाओ यार। और देखो भाई लोग, ऐसा खुला रास्ता हो, ठीक है, और आपके पास ऐसी मशीन हो, ऐसी बाइक हो, ठीक है, तो बहुत मुश्किल होता है यार इसको कंट्रोल करना, कि यार इसको एक स्पीड पे ही रखना है। ऐसा मन करता है कि यार भगा ले, भगा ले, भगा ले, बट फिर लगता है नहीं, रुक जा, रुक जा, रुक जा, थोड़े से दिन की बात है। वैसे भी मेरी बाइक ऑलरेडी 72 किलोमीटर आ चुकी है, एंड आई होप कि मैं इसको बहुत जल्द जो है 1000 टच करूँगा, उसके बाद इसकी सर्विसिंग कराएंगे पहली। वाओ, कूल, एंड दैट्स द साउंड। अब पहली बार इसकी साउंड मैंने सुनी है आज, क्योंकि जिस दिन मैं लेकर के आ रहा था उस दिन मैंने फुल फेस हेलमेट लगाया था, आई कुडंट हियर द साउंड वेल, और कल भी फुल फेस था और हवा भी बहुत थी। एट दिस रोड नाउ आई कैन लिसन टू द साउंड, यस इट इज़ देयर, ऑल्दो उतना थंब नहीं है, बट
इट इज़ देयर। तो देखते हैं अभी इसका मूड करेगा तो डीबी कलर वगैरह निकलवाएंगे, सेटिंग्स चेंज करेंगे, थोड़ा बहुत कुछ और करेंगे। बट यस आई विल डू सम एक्सपेरिमेंट्स, बट यस लाइट एक्सपेरिमेंट्स, नॉट द ह्यूज वन। मेरे को मिनिमलिस्टिक भी एक्सपेरिमेंट्स पसंद हैं, ऐसा नहीं है कि आप ड्रास्टिक चीज़ें चेंज कर लो। तो जिस रास्ते से आए थे अपन उसी रास्ते से चलते हैं और ट्रैफिक में फंसने का कोई अभी इरादा नहीं है। अभी ऐसा लगता है बस ऐसे ही ना हल्की स्पीड में ही थोड़े से स्टार्ट कर लो। यू 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 बट दैट इज़ ऑसम यार, सीरियसली। एंड दिस विल बी द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ माय इंटरसेप्टर राइड। यू आई एम एंजॉयिंग इट एंड आई होप यू गाइस विल ऑल्सो एंजॉय इट। इस पे खड़े होना, हो जाओ आराम से। ये कूल ऑसम गाइस, मज़ा आ गया। वैसे मैं एक बात बताऊँ, मैंने अभी तक जितनी वीडियोस देखी ना इंटरसेप्टर की, कॉन्टिनेंटल जीटी की, आई थिंक उनमें सबसे लो स्पीड मैं ही चला रहा हूँगा यार अभी, सीरियसली। क्योंकि मुझे लगता है ये 80, 90, 100 तो ये यूं ही जाती है बड़े प्यार से। वेट फॉर द साइड, किंग इज गोइंग। ओके किंग, आई नो यू आर गोइंग, लेट मी चेक by when can I get the site, because the main problem is this, we are having one. Okay, chala gaya, chalo aaram se overtake karenge hum isko pyar se. java hoti na to abhi zoom karke overtake karte hum isko, but abhi ruk ja thode se din bhai, isse bhi hum zoom karke hi overtake karenge. maza to aa raha hai bhai, seriously. 60 की स्पीड, ईजी गोइंग। खैर उसका स्वैग देखो, उसका था वो तो, मतलब वाकई में जिसको कहूँगा ना वन ऑफ द बेस्ट रेट्रो क्लासिक बाइक आई हैव सीन। आगे जा रही है वैसे रॉयल एनफील्ड की क्लासिक, ये भी अच्छी है नो डाउट, बट भैया जावा के आगे मेरे को नहीं लगती। चलो गाइस एनीवेज, अभी और काम करेंगे अपन, रेडी होंगे दूसरे काम के लिए, अपना दिन शुरू करेंगे। एंड आई होप यू लाइक दिस स्मॉल राइड वीडियो ऑफ माइन विद माय न्यू इंटरसेप्टर। और आप लोग वीडियो देखते रहिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसे ही चलते चलते आपसे फिर मिलेंगे, चलते रहेंगे, बढ़िया से कंटेंट बनाते रहेंगे, आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहेंगे और मिलते रहेंगे आपसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स में, अच्छी अच्छी अपडेट्स में। टिल देन, बाय बाय यूट्यूब।